एवरीवन, अभी आ गई हूँ मैं किचन में। गुड मॉर्निंग, आपको अपने किचन से बोल रही हूँ। मेरा किचन और हॉल रूम साथ साथ है ना, तो इसीलिए आपको हॉल रूम लग रहा होगा, लेकिन मैं किचन के कामों के साथ आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग बोलिए आपको। तो यहाँ मेरे पास बहुत ही ताज़ा हरी हरी क्या कहते हैं इसको, जो भी है वो है। तो मैं इसको बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल वे में। ये बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ नमक और लहसुन के तड़के के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको छील लूँगी, बिल्कुल ताजी है। मुझे लग रहा था ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं आज इसको निकाला, क्योंकि ये जब शिवम आया था ना, तो इनके जीजा जी और शिवम जाके मार्केट गए थे घूमने, तब लेके आए थे। तो ये हो गए चार दिन की बात होगी। तो मुझे लग रहा था ये बिल्कुल सूख गया होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही देखो आप कड़क है, एकदम अच्छा है। तो इसको मैं छील के पहले काट लेती हूँ। आज से इनकी ड्यूटी की टाइमिंग चेंज हो गई है, ड्यूटी की टाइमिंग इनकी हो गई है रात वाली, तो यानी 5 या 5:30 बजे से शुरू होगी शाम को, और रात को शायद से 1:30 बजे आई थिंक खत्म होगी। तो मैंने अभी तक इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो इनकी बीच में 5 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। कैसे मैं बताती हूँ, पहले तो जिस हिसाब से इनका ड्यूटी चल रहा था उस हिसाब से इनका सैटरडे संडे छुट्टी था, और जिस हिसाब से इनका नया रूटीन बना है उस हिसाब से इनका है ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी। तो सैटरडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो बीच में एक मंडे पड़ रहा था तो इन्होंने छुट्टी लगा ली। तो इस तरह से हमने बिताए 5 दिन, हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। तो कल जब मैं इनको बोल रही थी, ऐसा लग रहा है कि समर वैकेशन के बाद बच्चों का स्कूल खुलने वाला होता है, तो मम्मी लोग जैसे होता है ना, वैसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो खैर मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, और रनिंग करने से पहले सोच रही थी खाना खा लूँगी, लेकिन आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था सुबह उठ के, तो वो अलार्म भी नहीं बजा और मैं जान भी नहीं पाई, और बहुत देर तक परेशान रही। तो अभी जाके थोड़ा सा उसमें जान आई है, मैंने चार्ज पे लगा दिया है उसको, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोलते हैं नया मोबाइल ले लो। मैं कहती चलो जब तक काम चल रहा है, क्योंकि अभी अभी हम शिफ्ट किए हैं इस पर नए घर पे, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमने खरीदी है, एसी वगैरह सारी चीज़ें आ रही, एसी ये ऑफिस टेबल सब कुछ खरीदा है मतलब कि। तो इसलिए मैंने कहा कि जाने दो, अभी मोबाइल जब तक चल रहा है चलने दो। ज़रूरत देखो, अगर आप सोचोगे तो ज़रूरत जब तक चल रहा है चले, और क्या। तो मैंने फटाफट काट लेती हूँ, छिल भी लेती हूँ, छिलकी काटना पड़ेगा, काट लेती हूँ, छिल लेती हूँ का क्या मतलब, क्या मतलब, पहले तो छिलना, देखना, काटना, ये टूट गया। चलो इसको पूरी तरह से टकला ना करें, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे धारियों की तरह थोड़ा सा छिल लें, पूरी तरह से टकला करेंगे ना तो ये बनने के बाद बिल्कुल ही एकदम पिघल के एकदम पानी हो जाएगी। मेरा वो ब्लैक वाला नाइफ ना, वो लॉस्ट होने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे पता नहीं बिल्कुल ऐसा वाला वाइब आ रहा है कि मैंने या इन्होंने किसी ने भी उसको कूड़े में डाल दिया डस्टबिन में, और वो चला गया बाहर, मतलब कूड़ेदान में चला गया, क्योंकि वो घर पे है नहीं। मैंने जहाँ जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ वहाँ मैंने पूरा चेक किया था, कल टाइम निकल के पूरा चेक किया, नहीं मिला मुझे। तो मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि वो भी काम चल रहा था, तो अभी चल रहा था तो चल रहा था, अब तो लेना ही पड़ेगा। लेने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट में लोकल वाले मिलते हैं आपको पता है, तो मॉल जाना पड़ेगा। कब मॉल जाऊंगी, कब लूंगी, चलो देखते हैं। अगर जहाँ से ग्रोसरी मंगवाते हैं वहाँ पे अगर रहेगा तो काम चलाओ मंगवा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, ये गर्म हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि पहले सिर्फ ऐसे ही लहसुन के छौंक से बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मूड बदल गया। मैं जब घर गई थी बनारस, तो मेरे यहाँ जो मासी है, जो खाना बनाने वाली मासी है, कुक मासी है, तो वो मासी ना ननुआ को ना थोड़ा सा बहुत अच्छे से बनाती है, जैसे प्याज लहसुन टमाटर नमक हल्दी के साथ थोड़ा सा अच्छे से बनाती है। तो मैंने भी सोचा कि अब मैं भी वही करूँगी, क्योंकि ननुआ बहुत ही महंगी सब्जी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हर बार मैं ऐसे लहसुन के छौंक के साथ बना देती हूँ, तो वही मैं सोच रही थी कि चलो अब थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं कर।
हवा चल रही है और आप अगर सोचेंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कितनी हवा चल रही है, तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं अपने मेन गेट के पास, ये मेन गेट को थोड़ा सा खोल के ऐसे घुटने से इसको आधा लगा के ये सोफे के कॉर्नर पे, सोफे पे ही बैठी हूँ और यहाँ से आज ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा नहीं, लेकिन उस साइड पे धूप है ना, उस साइड पे जाने से वो हवा नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अंदर से ये पैक है ना, इतना दिखाती हूँ, ये पूरा पैक है ना ऊपर, तो रोड तो दूर पे है, वो वहाँ पे रोड है, तो जो हवा आ रही है ना काफ़ी अच्छी आ रही है, तो फैन भी बंद है, आपको दिखाती हूँ, फैन भी बंद है और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रही हूँ। जब ऐसी हवा चलती है तो मन करता है कि यहाँ पे बैठूँ, क्योंकि ये हवा मुझे बालकनी में नहीं मिल पाती, बालकनी उस साइड से जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसे उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना कि वहाँ पे हवा ब्लॉक होती है, बहुत तेज़ चल रही हो तो वो अलग बात है, तब तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी भी अच्छी हवा होती है तो यहाँ से ये डोर हल्का खोल के यहाँ पे घुटने की हेल्प से बैठ जाओ तो हवा आती है। आप मेरे बाल देख के पता लगा सकते हो कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। बस यही है कि लोग आते जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा बैठना पड़ता है सामने, कि कोई सामने से आए वगैरह तो बंद कर पाए, नहीं तो पूरा कमरे देखो, अब ये दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा खुल के सारी चीज़ें किचन तक पूरा अंदर दिखता है ना, तो ये इस तरह का है ना, सामने वाला फ्लैट है ना इसीलिए, वरना दूसरों का जो है ना वहाँ पे लेन है, एक छोटी सी लेन है, उसके बाद से सारी चीज़ें शुरू होती है, तो जैसा हमें मिला वैसा ही है हमारे पास, तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा। और यहाँ पे इसलिए भी बैठी हूँ मैं क्योंकि दरवाज़ा खोल के नहीं रख सकते, अगर बाय चांस यहाँ चूहे हैं, मैंने खुद देखा है, बड़ा भी देखा है, छोटा भी देखा है, खेलते कूदते, तो अंदर एक बार अगर आ गए ना तो वो जा नहीं पाएंगे, आने का तो क्या है, जब दरवाज़ा खुला रहेगा वो मौके पा के आ जाएंगे, लेकिन अगर एक बार अंदर आ गए तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ें पूरे दिन भर ब्लॉक रहती है, अच्छी हवा चल रही है तो चीज़ें पूरी दिन भर ब्लॉक रहती है, मतलब दरवाज़ा वगैरह पूरा लॉक रहता है, तो वो बाहर जा नहीं पाएंगे, तो अंदर ही वो सारा कारनामा अपना दिखाएंगे, बहुत नुकसान पहुँचाएंगे, इसीलिए यहाँ बैठे बैठे दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये सो रहे हैं क्योंकि ये देर से उठे हैं, क्योंकि आज इनकी रात की ड्यूटी है, तो थोड़ी देर इंजॉय करती हूँ। वहाँ सब्जियाँ भी चढ़ी हुई है मेरी और आटा भी मैंने गूंथ लिया है, तो थोड़ा सा आराम करते हैं। बहुत अच्छा हवा चल रहा है। इनकी शाम की ऑफिस शुरू हो गई है, तो मेरा भी सारा रूटीन उसी हिसाब से हो गया है। वेदर थोड़ा सा ठीक ही है बाहर, मतलब अच्छा ही है, तो काम करते करते हम लोग थोड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि अभी भी इनका ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ है। कितने बजे से आपका ऑफिस? आधा घंटा है, लेकिन ये है ना टाइम से ऑफिस भी जब खुला था वर्क फ्रॉम होम नहीं था तब भी ये घर से एकदम टाइम से निकलते थे, मतलब हमेशा 15 मिनट आधा घंटे ये हाथ में रख के जाते, और अभी भी घर पे रहते ना तब भी ये लॉग इन करते आधा घंटे पहले ही, मतलब सारी चीजें सेट वेट करने लगते हैं, बोलते लेट नहीं हो रहे हैं। और ये मेरा भी था, मैं अभी जब वर्किंग थी, कभी बताऊंगी थोड़ी सी और थोड़ी देर बाद बताऊंगी, मतलब थोड़ी टाइम बाद और भी बताऊंगी क्या मैं करती थी, क्या ये कर देते, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, पूरी डिटेल बाद में बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए
तो हम लोग कभी लेट नहीं होते हैं, कोशिश करते हैं। हम लोग की डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट रहती है 10:30 बजे की, तो हम लोग कब निकलते हैं घर से? 9 बजे। 9 बजे निकल जाते हैं? नहीं, और भी जल्दी, 9:45 से गाड़ी देखना शुरू कर देते हैं। 8:30 का टारगेट हम रखते हैं, और जबकि जाने में आधे घंटे ही लगते, फिर भी गाड़ी ना मिले या कुछ ऐसा, तो ऐसा हमेशा सबको करना चाहिए, टाइम से पहले थोड़ा सा पहुंच जाओ, लेकिन लेट नहीं करना चाहिए।